हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं साथ साथ आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ और मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। मैंने ये मैक्रोनी और पास्ता थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो मैंने जो है बॉयल करके रखा है, और बॉयल करने का तरीका जो होता है वो ये है कि पानी जैसे बॉयल होने लगे तो हम उसमें मैक्रोनी डाल दें और नमक और ऑयल का एक चम्मच डाल दें। देन उसके बाद मैंने लिया था चिकन। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, बोनलेस चिकन है। उसको फ्राई किया कैसे किया है, पैन में ऑयल लेके चिकन डाला है और उसके अंदर नमक और अदरक लहसुन का पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने इसके इस तरह से रेशे बना लिए हैं। उसके बाद मैंने आलू, दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनकी कटिंग की है। एक टमाटर लिया है, एक अनियन है और शिमला मिर्च है जो हमने चॉप कटिंग की हुई है, और गाजर है, दो मिर्ची हैं, नमक यूज़ होगा, ऑयल एंड सबसे स्पेशल जो है रेसिपी बुक के सॉसेस, चिली सॉस, गार्लिक सॉस, सिरका, एंड देन हमने यूज़ करनी है वाइट पेपर और काली मिर्च। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कढ़ाई में ऑयल लेकर प्याज डालना है। आप देख रहे हैं कि प्याज जैसे पिंक होने लगेगा उसके बाद हमने इसमें टमाटर और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर देनी है। ये मेरे पास आलू है कटा हुआ, चॉप किया हुआ, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे। आलू जो है हमारे गल चुके हैं, हमने इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दी है। अब हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करना है। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, एक चम्मच नमक ऐड किया है, एक चम्मच काली मिर्च ऐड की है। टेस्ट के मुताबिक हम वाइट पेपर यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी और मटर ऐड करेंगे बॉयल की हुई। आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी की किस तरीके से शक्ल जो है अब आपको नज़र आ रही है। अब हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे और नमक, काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सॉस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, 1 स्पून या 2 स्पून जितने भी आपको पसंद है। 3 सॉसेस जो है मैं यूज़ करने लगी हूँ। मैं 1 चम्मच ऐड करने लगी हूँ। सॉस मैंने ऐड कर दी है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से जो है हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। ये देख लें, हर चीज़ जो है डन है। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।